खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, ज्ञान व्यापी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर आपको बता दे आ रही है। ज्ञान व्यापी के ऊपर बड़ी अपडेट, जहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही मस्जिद कमेटी ने की कम संख्या में ज्ञान व्यापी आने की अपील, और साथ ही लोग अपने मोहल्ले में ही नमाज अदा करें। मस्जिद कमेटी की तरफ से अपील है, जुम्मे की नमाज पढ़ने आना है तो घर से वजू करके आए। कमेटी की तरफ से ये मांग है। आपको बता दें मस्जिद कमेटी ने ये मांग करी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और मस्जिद कमेटी ने की ये कम संख्या में ज्ञानव्यापी आने की अपील। तो जितने भी लोग हैं अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आ जाएंगे, आज जुम्मा है आपको बता दें, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं आज जुम्मे की नमाज पर किस तरीके से भीड़ उमड़ उठी है, और पिछले जुम्मे की भी भीड़ थी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो करे गए हैं। तो आज भी जुम्मे की नमाज है, और अगर आपको पिछले हफ्ते याद हो तो पिछले हफ्ते भी इसी तरीके से काफी ज्यादा लोग जो है वो आ गए थे। जुम्मे की भीड़ आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको ज्ञानव्यापी मस्जिद कमेटी की जो चिट्ठी है, लेटर जो उन्होंने दिया, उसको पढ़ के बताते हैं। जैसा कि आप हजरत को मालूम है कि शाही जामा मस्जिद ज्ञानव्यापी बनारस का मुकदमा इस वक्त मकामी अदालत के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, और यहाँ की मुकामी अदालत ने जामा मस्जिद के वजू खाने और इस्तिनजा का खाना शौचालय को सील कर दिया है। इस मसले के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। अल्लाह करे जल्द ही इस परेशानी का हल निकल आए। वजू खाने और इस्तिनजा खाना शौचालय सील हो जाने से नमाजे पंजगाना से वजू और इस्तिनगजा शौचालय की दिक्कत पेश आ रही है। तो जुम्मे में नमाजियों की तादाद ज्यादा रहती है, इसलिए ये दिक्कत ज्यादा पेश आएगी। इस मजबूरी की वजह से तमाम लोगों से अंजुमन है कि इंतजामिया मस्जिद बनारस की जानिब से यह अपील है कि जाती है कि बहुत ही बड़ी तादाद में नमाज के लिए आने से परहेज करें, और हर बार की तरह इस बार भी जुम्मे की नमाज अपने अपने मोहल्ले में ही अदा करें। साथ ही जो लोग नमाजे जुम्मा के लिए आए वे वजू करके आए। तो ये एक अपील मस्जिद कमेटी की तरफ से उठाई गई, चिट्ठी लिखकर अपने जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं मस्जिद कमेटी की तरफ से ये अपील करेगी कि आप या तो अगर बाई चांस आ भी रहे हैं तो वजू घर से कर आए, और साथ में शौचालय की दिक्कत वहां पर आ रही है और वजू की भी दिक्कत वहां पर आ रही है, तो इस वजह से जुम्मे पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो ये दिक्कत परेशानी आएगी, और ये परेशानी पिछले हफ्ते भी देखने को मिली थी। तो सबसे अपील कर रहे हैं आप अपने मोहल्ले के अंदर ही इस बार नमाज को अदा करें, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि नमाज आप मोहल्ले में अगर करें या तो अगर आप आ भी रहे हैं तो वजू जो है वो घर से ही कर आए। तो ये मस्जिद कमेटी की तरफ से जो है अपील करी गई है। आपको बता दें वजू खाने के अंदर जब लोग अंदर मस्जिद के अंदर जाते हैं तो अपने हाथ पैर जो है वहां पर धोते हैं, तो इस वजह से वहां पर वजू खाना अब सील कर दिया गया है। कोर्ट का आदेश है, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावे थे कि वहां पर जी वजू खाना है, वहां पर शिवलिंग है वजू खाने के अंदर, ये दावा किया था, तो इसके ऊपर आदेश आया था। दोनों ही कोर्ट की अगर बात करें, चाहे वाराणसी कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो उन्होंने जो वजू खाने वाली जगह है वहां पर उसको सील करने के आदेश जो है वो दिए थे। तो वहां पर आपने तस्वीरें भी देखी थी, तो आप देख सकते हैं कि उस फैसले की वजह से, अब ये फैसले की वजह से जो है मस्जिद कमेटी की तरफ से पत्र